अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ सवाल लेने वाला हूँ। कुछ लोगों ने जो सवाल किए हैं पिछली वीडियो में, उसके मैं जवाब दूंगा। एक बंदे का सवाल है कुल्लू माफ़ी। कुल्लू का मतलब क्या होता है, कुल्लू माफ़ी का मतलब क्या होता है। और एक बंदे का सवाल है कि अरबी में मेहमान को क्या बोलते हैं, ठीक है। और एक भाई का सवाल है कि मेरी मैडम मुझे बुला रही है कि गाड़ी लेकर आओ या फिर ऐसे ही आओ। तो अगर उससे मैं फिर क्या कहूँगा कि गाड़ी लेकर आऊँ या फिर पैदल आऊँ, इसके बारे में ये तीन सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सवाल को ले लेते हैं, मेहमान को अरबी में क्या बोलते हैं। तो मेहमान को अरबी में जायरुन या फिर दायफुन भी बोल सकते हैं। दूसरा सवाल ले लेते हैं कुल्लू माफ़ी। कुल्लू माफ़ी का मतलब क्या होता है। कुल्लू का मतलब होता है सब, माफ़ी का मतलब होता है नहीं। अब ये डिपेंड करता है उसने क्या पूछा है। जैसे कि आपके पास में कोई भी सामान है, वो सारा सामान ख़त्म हो गया है, तो आप कहेंगे कुल्लू माफ़ी मौजूद या कुल्लू माफ़ी, ठीक है। यानी कि आल सामान, टोटल जो भी चीज़ें आपके पास में, चाय पत्ती कॉफ़ी ये सारी चीज़ आपकी ख़त्म हो गई हैं, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कुल्लू माफ़ी मौजूद। यानी कि कुल्लू को बोलते हैं सब, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कुल्लू माफ़ी, ठीक है, समझ गए होंगे। तीसरा सवाल है एक भाई का कि मेरी मैडम मुझसे बोल रही है या फिर मुझे बुला रही है ताल मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद आओ, यानी कि जहाँ पर भी आपकी मैडम होगी ताल मोहम्मद बुलाएगी आपको। तो उस भाई का सवाल है कि मैं गाड़ी लेकर जाऊँ या फिर पैदल जाऊँ, क्योंकि हमेशा मैडम बुलाती हैं ताल मोहम्मद। तो बहुत से बार जो मैडम आपकी हैं वो बुलाएंगी ताल मोहम्मद जिप सही आ रहा है, मतलब गाड़ी लेकर आओ। अगर उन्होंने नहीं कहा है तो आप पूछ सकते हैं, उन्होंने उनका मतलब ये है मैं कैसे पूछूं। तो आप अपनी मैडम से पूछ सकते हैं अना ईजी किदा वल्ला जिप सैयारा, यानी कि मैं ऐसे ही आ जाऊं या गाड़ी लेकर आऊं। तो वो आपको बता देंगे कि मोहम्मद जिप सैयारा या ईजी किदा, यानी कि तुम ऐसे ही आ जाओ। तो इसका मतलब यही है अना ईजी किदा वल्ला जिप सैयारा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे, मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।